नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी के जनपद कानपुर देहात में वो कहावत जाको राखे साइयां मार सके ना कोई के हर शब्द को डॉक्टर संजय त्रिपाठी और उनकी टीम ने सच कर दिखाया, क्योंकि धरती ने भगवान ये टैग लाइन नाम से ही नहीं बल्कि अच्छे काम से लोगों को और निस्वार्थ सेवा से मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों की एक महिला जिसे हर बड़े अस्पताल से जवाब मिल चुका था, उसके पास मायूसी के सिवा कुछ न बचा था। फिर अंधेरे में किरण गौरी हॉस्पिटल के रूप में दिखाई दी। डॉक्टर संजय त्रिपाठी और उनकी टीम ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से 4 किलो 900 ग्राम का ट्यूमर बाहर निकाला, जिससे न केवल महिला की जान बची बल्कि उसके परिवार में खुशियां दोगुनी हो गई। क्या नाम है भैया, कहाँ रहते हो? हाँ, शिव है, परासु नाम है। अच्छा, क्या हुआ था, आपकी पत्नी को किस तरीके से समस्या थी? ये समस्या थी कि हम लोग तक गौर नहीं कर पाए कि हम थोड़ा बच्चा आए पेट में, मान लो इसी वजह से हम लोग कहीं दिखाया सुनाया नहीं, और फिर दिखाया मान लो दर्द होना शुरू किया तो कानपुर ले गए, समाज दिखाया, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिए हमारे बस के नहीं है। फिर हमारे वो है दवान उनके देवर हमारी बिट्टी के, उनके वजह से बोले पापा घबराओ नहीं, तुम इधर लेके चले जाओ, कभी धर्म लेके आए। कहाँ लेके आए? गौरी हॉस्पिटल में। फिर उन्हें देखा सुना सब कुछ किया, बस इतना इलाज कर दिया हमारा बढ़िया। क्या निकला फिर पेट से? उसमें गांठ निकली। कितनी? होगी करीब 5 किलो। तो अब मरीज आपको स्वस्थ है? हाँ, हमारा मरीज बढ़िया है, भगवान की दया से भगवान ने बचा लिया है बस। तो मरीज स्वस्थ है? हाँ, ठीक। क्या कहेंगे इस अस्पताल के डॉक्टर और उनकी टीम को? अरे, हमारा कहना भगवान भगवान बाल बच्चे सुखी रखें सबके, बिल्कुल डॉक्टर साहब के ना सबके भगवान की दया से, मान लो भगवान है हमारे लिए, जो हमारे जिंदगी नई जिंदगी दी हमको। अच्छा, कानपुर नगर लखनऊ तक दौड़े हर जगह से जवाब हो गया, आज पत्नी स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं सुकून है आपको? हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे कुछ कारण हो जाए डॉक्टर साहब नहीं बचा पाते तो हम कहीं भी नहीं रह पाते। सर, आपका एक पेशेंट आया हुआ है जिसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल थी, किस तरीके का पेशेंट था, क्या आपका उपचार किया गया? जी, मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी, मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, हॉस्पिटल का मैं संचालक हूँ। आप डॉक्टर प्रशांत राजपूत हैं, वरिष्ठ सर्जन हैं आप। और एक पेशेंट हम लोगों के अर्चना नाम की पेशेंट आई, और उनका एज लगभग 32-33 वर्ष के आसपास होगा, जिनको पेट में बड़ा सा ट्यूमर था, जो कई बड़े अस्पतालों में जाके उन्होंने अपने को दिखवाया और जाँचें कराई, वहाँ पर उनको बिग साइज ट्यूमर बताया गया, हम लोग अपनी भाषा में उसको लंप बताते हैं। और एक्चुअली उस जो ट्यूमर की ओरिजिनली उसकी ओरिजिन जो थी वो राइट ओवरी से लेके पूरा एपिगैस्ट्रम में एक्सटेंड कर रहा था, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। तो जांच वाँच करके उन लोगों ने बताया कैंसर जैसे लक्षण है, इसके ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसका उसको वापस भेज दिया। और पेशेंट के परिजनों के हिसाब से कई अस्पताल में गए और उनको कोई इलाज नहीं मिल पाया, लोगों ने मना कर दिया, बहुत परेशान थे वो लोग। फिर हम लोगों के अस्पताल में आए, उसको मैंने देखा और डॉक्टर प्रशांत राजपूत जी ने भी देखा, तो हम लोगों ने सारी जांचें करा के फिर उसके ऑपरेशन का प्लान बनाया। पेशेंट ऑपरेबल थी, CA125 उसका थोड़ा पॉजिटिव था, कैंसर की फीचर थे लेकिन ऑपरेबल थी वो। फिर हम लोगों ने प्रॉपर एक टीम बनाई, उसका PAC किया, PAC में पेशेंट फिट थी, फिर उसको ऑपरेट किया और एक लगभग 4 किलो 900 ग्राम का ट्यूमर ऑपरेट करके डॉक्टर प्रशांत ने लीड किया, तो पूरी टीम ने निकाला। उसमें डॉक्टर प्रशांत राजपूत, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा चौहान, अस्मिता एंड मेरे ICU क्रिटिकल मेडिसिन के डॉक्टर संदीप पांडे और हम लोगों के देख रेख में पूरा काम हुआ। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ईश्वर कृपा से एकदम स्वस्थ है और अगले 2-3 दिन में उसको डिस्चार्ज करने का प्लान करा रहे हैं। अटेंडेंट बहुत खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि साहब हमारे मरीज की जान बच गई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा रहा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।